एक पार्टी के साथ यादव लोग रहता है, ये गलतफहमी मिटा लीजिए। 62 में जब पहली बार भाजपा यहाँ 3 विधानसभा सीट जीती थी पहली बार, उसमें एक यादव हमारा भाजपा जनसंघ की टिकट पर चुनाव जीत के आते हिलसा से। ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, समाज किसी पार्टी के खूंटे से बना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने जानकारी दिया है कि मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी आएंगे। पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि हम लोगों ने मोहन यादव से आग्रह किया है कि मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आएँ, कार्यकर्ताओं को स्वागत करने का मौके दें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो यादव समाज को पहले के ज़माने से अब तक सम्मान देती रही है। पहले जनसंघ के ज़माने में भी मंत्री बनाया था और उन्होंने कहा कि जब हम 6 महीने बस हुए थे, जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हुए, तब उन्होंने हमें केंद्र में मंत्री बनाकर यादव समाज को सम्मान दिया था। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव और पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। किसी एक पार्टी के साथ यादव लोग रहता है, ये गलतफहमी मिटा लीजिए। आपकी जानकारी के लिए, भारतीय जनता पार्टी में लालू जी के बिहार में नेता बनने के पहले जगदम्बी प्रसाद यादव जी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। 77 में वो भारत सरकार के मंत्री हुआ करते थे भाजपा के जनसंघ के कोटे से। आप क्यों भूल जाते हैं कि मैं खुद प्रदेश का अध्यक्ष भाजपा कर रहा हूँ, नित्यानंद जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और तो और 62 में जब पहली बार भाजपा यहाँ 3 विधानसभा सीट जीती थी पहली बार, उसमें एक यादव हमारा भाजपा जनसंघ की टिकट पर चुनाव जीत के आते हिलसा से। ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, समाज किसी पार्टी के खूंटे से बना नहीं है। समाज हमारा प्रबुद्ध समाज है और जो देश के हित में काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो बताओ 7 बार से नंद किशोर यादव कैसे विधायक बनता, कैसे बनता, ये MP कैसे बनते? तो ये गलतफहमी मन से मिटा लीजिए। ये जो वो लोग नैरेटिव सेट करना चाहते हैं उससे का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई आधार नहीं है। हमारा समाज देश के साथ चलेगा, देश के विकास के साथ चलेगा। और भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और 3 राज्य मंत्री, पहले भी 4 मंत्री थे मैंने 2014-19 में, और फिर 4 मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। और मैं आपको एक सूचना देना, और जिनको देश भर के मुख्यमंत्रियों का अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए हमसे ले लीजिएगा। हाँ ले गया यार, नेट पर निकाल के लाए। और ये कांग्रेस पार्टी है, मैं तो वहां था ना, एक ऐसा वक्त था मध्य प्रदेश का, एक राज्य का लड़का रोनी यादव राजमंत्री था, कोई मंत्री नहीं था उस समय कांग्रेस के कार्यकाल में, सिर्फ राजमंत्री था, उसको भी ड्रॉप कर दिया। ये है कांग्रेस पार्टी जिसके गोद में ये सारी पार्टियां बैठी है राष्ट्रीय, ये है भाव, ये है भारतीय जनता पार्टी और वो है कांग्रेस पार्टी। वैसे मोहन यादव जी का कार्यक्रम केवल बिहार में नहीं हो रहा, अलग अलग संगठन के लोग जहाँ जहाँ उनको बुला रहे हैं वहाँ वो जा रहे हैं। स्वाभाविक है, जब किसी समाज का व्यक्ति, किसी राज्य का, आज देश में एकमात्र मुख्यमंत्री यादव समाज का, तो समाज के लोग अगर हम बुलाना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं, इसमें किसी को आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। हम तो लाभ ले रहे हैं इसलिए कि वो चूंकि गैर राजनीतिक मन से आ रहे हैं और वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं तो भाजपा कार्ड ले आए, हमने केवल उसकी कोशिश की है और उसी की सूचना देने के लिए आपको आमंत्रित किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।